अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक अपना ऑस्ट्रेलियन पैरोट्स के बारे में ही बात करेंगे अपन, के ऑस्ट्रेलियन पैरोट्स के अंदर मटकियाँ कैसे लगाई जाएँ, स्टिके कैसे लगाई जाएँ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि ब्रीड सीज़न भी स्टार्ट हो गया है, साथ साथ अगस्त का महीना स्टार्ट है तो ब्रीड सीज़न भी स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत से भाइयों के पास ब्रीड आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इसी के साथ आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अपने बर्ड्स के लिए मटकियाँ किस तरीके से लगा सकते हैं और कौन सी लगानी चाहिए आपको मटकियाँ, जिससे आपके बर्ड्स के चिक्स वगैरह जो निकले हैं मटकियों के अंदर, तो वो मतलब कि जैसे आपके चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं मटकियों के अंदर या इनफर्टिलिटी का इशू आ जाता है, तो इन चीज़ों को सारी चीज़ें कवर करेगी मटकी। मटकी मेन चीज़ होती है सब चीज़ों के लिए। मटकी आपकी अगर सही लगी हुई है, मटकी स्टीकें ये चीज़ें सही लगी हुई हैं, तो इंशाल्लाह आपके पास अनफर्टिलिटी का और चिक्स एक्सपायर होने का इशू नहीं आएगा। तो यही चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आपको मैं फुल वीडियो ये बताने वाला हूँ आज इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरी देखना, चैनल जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन आएगी लाजमी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड किया करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करे। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कॉलोनी देख रहे हैं आप, ये कॉलोनी के अंदर स्टिकें कैसे लगी हुई हैं, मटकियाँ कौन से तरीके की लगी हुई हैं, कौन सी मटकियाँ लगी हुई हैं जो मार्केट के अंदर मिलती हैं, वो वाली मटकियाँ नहीं हैं, ये मैंने स्पेशल मटकियाँ मैंने ऑस्ट्रेलियन के लिए बनवाई हैं। तो ये देख सकते हैं आप मटकियाँ कैसी बनी हुई हैं। तो स्टिक भी देख सकते हैं आप, खाली मैं ये वाली स्टिक लगाता हूँ, जैसे कि ये 3D नमूने की मैंने बना के लगाई भी है केज के अंदर, उसके अलावा मैंने कोई और स्टिकें नहीं लगाई हुई, खाली मटकियों के अंदर स्टिकें लगाई हुई हैं। ये वाली स्टिक मैं बता देता हूँ, इसका बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ कि कैसे बनाते हैं, ये मैंने खुद ने बनाई है घर के अंदर, तो आप भी बआसानी मतलब कि बना सकते हैं ये स्टिक। तो ये देख सकते हैं स्टिक बनी हुई है, ये 2 कीलें लगी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद ये कितने इंच की है, 2.5 इंच की, इसके ऊपर स्टिक अपना पट्टी लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप 2.5 इंच इसका साइज़ है पट्टी का, ठीक है। ये अपना स्टिक का साइज़ तकरीबन भी 6 इंच ही है, तो 6 इंच नहीं आप 5 इंच कर लें, आप जितना साइज़ रखना चाहें उतना कर लें। 2 खाली इसके अंदर ये लगेंगी, इसके बाद बेंड करके दिखाता हूँ आपको मैं कैसे बेंड होएगी, ठीक है, आपको मैं बेंड करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखें कैसे बेंड हुई भी है, आपको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बेंड करनी है स्टिक, ठीक है। अब इसको आपको लगाने का तरीका भी बताता हूँ कैसे लगती है ये, ठीक है, आपको बिल्कुल फिक्स करके लगा के दिखाता हूँ मैं मटकी के अंदर, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, फिर आप बआसानी लगा सकते हैं और बना भी सकते हैं, ठीक है ना। जिस भाई को बनाना नहीं आए, जो मेरे से मंगवाना चाहता है तो मंगवा सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको ये मैं 15 रुपये की प्रोवाइड कर दूंगा, मार्केट के अंदर ये 20-30 रुपये की मिल रही है, आपको मैं 15 रुपये की दे दूंगा ये, ठीक है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में लिंक, व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा मैं, ठीक है, कॉल नंबर भी दूंगा, आप कॉल भी कर सकते हैं मेरे को और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक मटकी देख रहे हैं आप, ये सामने मटकी रखी हुई है, ठीक है। ये मटकी अपना स्टिक लगाने का तरीका मैं बताता हूँ, ये ऐसे करके ऐसे फिक्स हो जाती है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये स्टिक फिक्स हो गई, कोई भी बर्ड्स को परेशानी नहीं होगी, कोई बर्ड्स को मतलब के तंग ही नहीं होगी। आप स्टिक ये देखें, ये बिल्कुल तरीके से लगी हुई है। अब मटकी दिखा देता हूँ मैं, मटकी कैसे है ये मटकी, स्टिक लगाना ये लाजमी हो गई है, समझ लें आपके बर्ड्स अगर बैठते हैं स्टिक के ऊपर तो अंदर की वेंटिलेशन बंद नहीं होगी, वेंटिलेशन बंद होने की वजह से चिक्स भी एक्सपायर हो जाते हैं गर्मी की वजह से, ठीक है, हीटअप की वजह से चिक्स भी एक्सपायर हो जाएंगे, तो आपको ये चीज़ लाजमी करनी है। ये मैंने ऑस्ट्रेलियन के अंदर काफ़ी टाइम हो गया जब से मैंने ऑस्ट्रेलियन लगाए, ये स्टिक मैंने उस टाइम से लगाई हुई है, ठीक है, ये स्टिक उस टाइम से लगाई हुई है। ये स्टिक मैं आपको जैसे कि दिखा रहा हूँ, ये स्टिक आप बआसानी घर के ऊपर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा। तो मटकी दिखाता हूँ मैं, मटकी देखें आप, ठीक है, ये जिसका टापर देख सकते हैं नीचे से, ये देखें साइड से ये थोड़ी सी चपटी है, ये मटकी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आगे से थोड़ी सी चपटी है,
तो ये आप बआसानी बनवा भी सकते हैं कुमार से। अगर नहीं बना के दे रहा आपके इधर का कुमार तो आप मेरे को बता सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप मुझसे, तो आपको मैं बनवा के भी दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है आप भाइयों, ठीक है, आपको मैं बनवा के भी दे सकता हूँ। ये तो मटकी देख सकते हैं, मटकी बहुत बेहतरीन है। आपको एक और बार स्टिक लगा के दिखा देता हूँ, ये देखें, ये ऐसे करके ऐसे ये स्टिक फिक्स हो जाती है। तो इंशाल्लाह इस चीज़ से आपको बहुत फ़ायदा होगा, अगर ये आप लगाते हैं तो बहुत मतलब के बेनिफिट मिलेगा आपको इस चीज़ से ना। ये लकड़ी बहुत मतलब के फ़ायदे देती है, ये इतनी सी चीज़ है, आप समझ रहे हैं, ये इतनी सी चीज़ है, बहरहाल है इतनी सी चीज़ मगर फ़ायदा बहुत देगी आपको, आपके केज के अंदर आपकी ब्रीड के अंदर बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। जितने चिक्स आपको नहीं मिलते थे, समझ लें आपको भरपूर चिक्स वगैरह भी मिलेंगे। ये स्टिक के ऊपर अब बैठ के अब मेल फीमेल क्रॉस भी करेगा, तो क्रॉस करेगा तो आप समझ सकते हैं एक मेल और फीमेल बैठा हुआ होगा इसके ऊपर, ठीक है, क्रॉस करेगा मेल और फीमेल बैठ के, तो जो फीमेल होगी वो इधर से ही अंदर चली जाएगी, मेल उड़ के कहीं चले जाएगा। अब ढक्कन के ऊपर बैठ के करते थे मेल फीमेल क्रॉस, ठीक है, इधर ऊपर बैठ के करते थे तो उसके अंदर इशू होता था। तो ये चीज़ों को नोट करते हुए ये स्टिक बनी है, तो ये स्टिक बड़ी बेहतरीन है, आपको मैं क्या बताऊँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब के रिजल्ट बहुत अच्छा है इस स्टिक का ना। आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगी कि इस स्टिक का क्या रिजल्ट है। तो जैसे कि मैं ये बता रहा था कि आपको ये सीढ़ी का गैप है तकरीबन भी 7-8 इंची के गैप के ऊपर मैंने ये लगाई हुई है, ठीक है, नीचे से 2.5 फीट छोड़ा हुआ है, ऊपर से भी तकरीबन भी 2.5 फीट नहीं कि अपना 6 इंची छोड़ा हुआ है मैंने, 6-7 इंची छोड़ा हुआ है, 8 इंची छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये स्टिकें देख सकते हैं आप, ये सेटिंग करी हुई है मैंने, ये मटकियों की सेटिंग करी हुई है, मटकियों के अंदर स्टिकें लगी हुई देख लें आप, सारों के अंदर स्टिकें लगी हुई हैं, जो स्टिकें दिखा रहा हूँ मैं आपको, देख सकते हैं आप सारों के अंदर स्टिकें लगी हुई हैं। ये चेक से बाहर जांच रहा है ये, माशाल्लाह मेरे पास चेक से भी निकले हुए हैं, जिस भाई को भी चेक से चाहिए हो तो चेक के लिए भी रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे दूँगा, नंबर भी मैं बता देता हूँ, 0320-4888 0333-5757-5723, ये दोनों व्हाट्सअप नंबर हैं मेरे, कॉल भी कर सकते हैं आप, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये डायमंड डब के कुछ चेक्स अलग करें, ये देख सकते हैं, तो ये थोड़े से बीमार हो रहे हैं, अभी बरसात हुई थी रात को, ये देख सकते हैं नीचे से जैसे कि गिला है, ठीक है, ये बरसात होने की वजह से थोड़ा सा माहौल में नमी वगैरह ये वो ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है, तो इन चीज़ों को कवर अप करना पड़ता है। ये जात फैन चल रहा है, अपना एयर कूलर चल रहा है, एयर कूलर का पर मैंने पानी बंद किया हुआ है, ह्यूमिडिटी लेवल इससे कम होगा बिल्कुल, क्योंकि हवा की क्रॉसिंग होगी अच्छा है, जो इधर ह्यूमिडिटी बनी भी होगी वो आगे पीछे भागेगी। तो देख सकते हैं आप, आपको मैं जैसे कि दिखा रहा हूँ, आगे चलते हैं, आपको मैं चेक से भी दिखा देता हूँ, माशाल्लाह जो मेरे पास रिजल्ट आता है तो वो भी दिखा देता हूँ, इन चीज़ों से क्या फ़ायदा है, क्या मतलब के बेनिफिट मिलते हैं ये स्टिकें लगाने से और ये करने से। आज की पूरी वीडियो मटकी और स्टिक के ऊपर थी, तो मैंने स्टिक और मटकी कवर अप करी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन आएगी साइड में, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड किया करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आपको मैं चेक भी दिखा देता हूँ, फिर वीडियो का एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर कभी किसी वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह ये चिक्स हैं, इसके अंदर ये चिक्स रखे हुए, तो सारे ये अभी गंदुम वगैरह डाली है, चिक्स वगैरह गंदुम भी खा रहे हैं, ये सीड वगैरह रखी है। आज मैंने इनको ट्राइफिल का पानी दिया है, असल में बरसात हुई थी तो थोड़ा सा मौसम आउट हो गया था, तो इस वजह से मैंने आज ट्राइफिल का अपने को पानी दे दिया, ताकि ये मोशन भी नहीं आए, लूज मोशन भी नहीं आए, बर्ड्स परेशान ना हो। इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है आपको, बरसात के मौसम में मैंने वीडियो बनाई भी है बरसात की, आपको कैसे ख्याल रखना है, तो वीडियो आपको चैनल पे मेरे मिल जाएगी, आप जाके चैनल विजिट करें। आप भाई को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़, पी अमानुल्लाह, फिर कभी वीडियो में किसी वीडियो में मिलेंगे।